हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल JMBC टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 अगस्त को शानदार भाषण कैसे दें उसके बारे में हम सिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, शुरुआत हमें शायरी सी करनी है। तो आपको शायरी सुनानी है। आज़ादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इसके बाद आपको अपने भाषण में बोलना है, माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना सब कहने के बाद इससे आगे आपको कहना है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी भारत का 77वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चुंगल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहिए जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, कौमर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, मंगल पांडे समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। इसके बाद आपको एक शायरी सुनानी है। आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है, कुछ नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। इसके बाद आपको अपने भाषण में बोलना है, 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों व सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है, हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन कर देते हैं। इसी आगे आपको अपने भाषण में बोलना है, हमारे देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान हर मोर्चा पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। हाल में ही भारत ने ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। दोस्तों, इससे आगे आपको बोलना है, साथियों ये भी सच है कि आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध कमा भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक साथ होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। भारत को जब तक इस समस्या से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इससे आगे आपको बोलना है, इसी के साथ मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी के साथ करना चाहूँगा। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है,
हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। इसके बाद आपको बोलना है जय हिंद जय भारत।